हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अश्विंदा बेक्स। सो अश्विंदा बेक्स पे आज हम बनाने वाले हैं, आपको याद होगा मैंने अनबॉक्स किया था एक अमेजिंग बॉक्स विच इज बॉक्स ऑफ लव फ्रॉम ब्रिकफीट। सो उससे आज हम बनाएंगे कुछ अमेजिंग डिशेस। तो जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज बेक्ड पास्ता। एंड बेक्ड पास्ता हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल में। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे न्यूट्री बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो हम बनाएंगे कुछ अमेजिंग रेसिपी और बच्चों के लिए कुछ हेल्दी का ध्यान रखते हुए न्यूट्रिशियस चीज़ बनाने वाली हूँ मैं आपके लिए। बेक्ड पास्ता के लिए सबसे पहले मुझे बॉयल करना है पास्ता। पास्ता के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी पानी। सो आपको पैन को 3/4 जितना फुल करना है पानी से। और यहाँ पे अब जैसे ही हमारा पानी बॉईल होगा, हम इसमें डाल देंगे ब्रिकफीट का ये पास्ता। सो आप देखिए, जैसे ही हमारा पानी स्टार्ट हो जाएगा बॉईल होना, तो हम इसमें डाल देंगे अपना ब्रिकफीट का पास्ता। मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ इसको, जितना मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे हाफ पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही साथ आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट लिया है। और अब हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे ही हमारा पास्ता बॉईल हो जाएगा, अब हम बनाएंगे अपनी सॉस। यहाँ पे सॉस बनाने के लिए मैंने ली है पास्ता क्रीमी सॉस ब्रिकफील्ड की। ठीक है, मुझे बॉक्स में ये 2 पैकेट्स मिले हैं अमेजिंग से, तो यहाँ मैं दोनों पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने खोल लिया और इसको भी मैं इसके अंदर डाल, तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप मिल्क डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी रेसिपी भी दी हुई है कि हमें क्या क्या करना है। तो इसमें आप क्या नाम है, हम लोग वेजिटेबल्स और सब डाल सकते हैं। पहले मैं सॉस को रेडी करूँगी। ठीक है, 300 मिलीलीटर आपको बेसिकली इसमें दूध का इस्तेमाल करना है और अच्छे से बॉईल करना है। आपको 2 कप पास्ता आप इसमें डाल सकते हैं इस पूरे इंग्रेडिएंट। तो 2 कप पास्ता बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है गाइस। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जैसे ही हमारे दूध में बॉईल आएगा तो मैं अपना ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी। बट मैं आपको यहाँ पे एक टिप देने वाली हूँ कि आप थोड़ा सा इसी में से वार्म मिल्क लीजिए और पहले इसको इसके साथ मिक्स कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए, बिल्कुल वही टिप है गाइस। इससे आपके मिक्सचर में, आपकी सॉस में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया। और अब इसके बाद मैं, जैसे हमारा दूध बॉईल होगा तो मैं इसको इसमें डाल, मेरा दूध एकदम बॉईल हो चुका है। अब मैं धीरे धीरे इस मिक्सचर को इसमें डालूँगी और मिक्स कर लूँगी। आप ये देखो, मेरी सॉस एकदम थिक बढ़िया हो गई है। 2 मिनट में ही ये बन जाती है। इजी सी सॉस है एकदम। तो अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो आप ब्रिकफील्ड की ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, एंड शॉप्स पे तो डेफिनेटली अवेलेबल है ही। ये देखिए कितनी क्रीमी और थिक सॉस बनी है, अमेजिंग लग रही है ना गाइस। तो अब हम अपनी वेजीज के लिए वेजीज को सौते करेंगे बटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी बटर। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून जितना बटर लिया है। इसमें मैं डालूंगी अनियंस। अब मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्ट एंड बटर। अनियंस को अच्छे से सौते कर लेंगे। बटर और अनियंस अच्छे से सौते किए, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कैप्सिकम। हमें सारी वेजीज कच्ची ही चाहिए, हमें उन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस बटर के साथ हम उन्हें एक बार ही सौते कर रहे हैं ताकि उनमें बटर का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और सॉल्ट और पेपर उसमें अच्छे से चले जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े मशरूम्स। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। अब मैं डालूंगी यहाँ पे ड्राइड बेजल एंड मिक्स्ड हर्ब्स। बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ब्रिकफील्ड ने ऑलरेडी जो हमने सॉस बनाई है उसके अंदर हमें अच्छे ऑरिगेनोस मिक्स हर्ब्स दिए हुए हैं, तो हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। दो को मैं निकाल लूँगी एक बोल में। देखिए, हाफ मैंने निकाली है बोल में और हाफ के अंदर डालूँगी मैं
पास्ता सॉस, ये मैंने रेड पास्ता सॉस बनाई हुई है। इसके लिए आपको कुछ नहीं खास करना, आपको रेड पास्ता सॉस के लिए सबसे पहले अनियंस ऑलिव ऑयल डालना है, उसके अंदर आपने अनियंस को सौते करना है, फिर आपने ब्लांच टमेटोज लेने हैं, उनकी प्यूरे करनी है और अनियंस के साथ मिक्स करना है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून बटर डालना है, सम ऑरिगेनो, सम चिली फ्लेक्स, सम रेड पेपरिका एंड सम सॉल्ट। तो आपकी रेड सॉस की प्यूरे एकदम रेडी हो जाएगी। एक बार ये उसको छान लेंगे सॉस को तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी एकदम फाइन सॉस निकल के आती है। और नहीं तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वाइट सॉस तो आपको आसानी से बनाई दी है विकफील ने। यहाँ पे मैंने न्यूट्री की सब्जी ऑलरेडी बना के रखी हुई है, न्यूट्री का चूरा लिया हुआ है, प्याज और टमाटर को अच्छे से भून के उसमें कुछ गरम मसाला, नमक मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाला है और सिर्फ ये सब्जी हमने तैयार कर ली है जो हम यूज़ करेंगे अपने बेक्ड पास्ता में। अब हम अपनी प्लेसिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ नीचे मैं लगा रही हूँ थोड़ा बटर, और ऑयल भी लगा सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सबसे पहले हम नीचे डालेंगे अपनी ये रेड सॉस वाली वेजीज, इसको आप इस तरीके से फैला दीजिए रेंडमली। देखिए रेड सॉस डालने के बाद हम डालेंगे इसमें पास्ता जो हमने विकफील का बॉईल किया था, इसको भी आप चारों तरफ अच्छे से फैलाइए। अब इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी वाइट सॉस जो हमने बनाई थी, हमारी वेजीज जो हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बचाई थी, एंड साथ ही में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ न्यूट्री जो सब्जी हमने बनाई है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बच्चों के लिए हेल्दी तो है ही, बहुत ही बढ़िया। न्यूट्री में बहुत अच्छा प्रोटीन का लेवल होता है। फिर से मैं थोड़ा पास्ता ऐड करूँगी। थोड़ी सी छोड़ रही हूँ और स्प्रेड करेंगे हमारी वाइट सॉस। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, इतनी यम्मी लगती है ये खाने में बच्चों को। तो अभी देखिए जैसे मैंने इसमें न्यूट्री छुपा दी है, तो आप कोई भी वेजीज में छुपा के उनको खिला सकते हैं। जो आपके बच्चे नहीं खाते आप ऐसे ही इसमें बना के उनको खिला सकते हैं। ठीक है, ये बेक्ड होके बहुत सुंदर लगेगा गाइस। आपको इसको बेक करना है 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, ये मैं थोड़े से ऊपर डाल रही हूँ, इससे आपको एक क्रिस्पी लेयर मिलेगी। यम, है ना, बढ़िया डिनर डिश। तो अब इसको बेक करने रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 20 मिनट्स।